पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में संघर्ष लगातार जारी है। आज तीसरे दिन की सुबह है, लगातार रोज़ाना लोग घायल हो रहे हैं। बीते दो दिन में जो टीयर गैस शेलिंग हुई है उसमें सैकड़ों किसान जो है घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला हमारे साथ है जो कि खुद अपनी गाड़ी में एक एम्बुलेंस लेकर चल रही हैं और जो है फर्स्ट एड की जो है सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं यहाँ पर तमाम किसानों को। उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने कितने इंजर्ड्स को अभी तक ट्रीट कर दिया है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना है। कहाँ से हैं आप? मैं जलंधर से हूँ। अच्छा, मतलब क्या बैकग्राउंड हुआ? यू आर फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड? और मेरा नर्सिंग बैकग्राउंड है, मैं नर्स हूँ, स्टाफ नर्स हूँ। ओके जी। अच्छा, तो आप किसी संस्था से हैं या खुद अपनी प्राइवेटली ये चला रही हैं? प्राइवेट ही अपना लेके आए थे, मेरे क्लासमेट के साथ मैं यहाँ पे पहुँची थी। मेरे क्लासमेट भी स्टाफ नर्स हैं, हम दोनों यहाँ पे, जब हमने सोशल मीडिया पे देखा यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है हमारी, तो हम यहाँ पे उनकी सेवा के लिए पहुँच गए। अच्छा, तो अभी तक आपने पिछले दो दिनों में कितने लोगों को ट्रीट किया होगा? हमने अभी तक 300 प्लस लोगों को ट्रीट कर दिया है, जैसे कि उनमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी थे और कुछ जैसे कईयों को जैसे कोल्ड हो रहा है, जैसे पानी की बौछारें डाल रहे हैं उधर से तेज़, तो उससे कई लोग जब गीले हो जाते हैं उनको फीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा और कोल्ड वगैरह जैसी जो डिजीज हैं उनसे सफ़र कर रहे हैं वो। अच्छा, तो मैम उसमें क्या अनुपात होगा कि इंजर्ड कितने होंगे लगभग और जो बीमार हैं वो कितने होंगे? 100 प्लस जो थे, मतलब 50-100 जो थे वो इंजर्ड आए हैं मेरे पास, और उसके अलावा मेरे पास जैसे कि कोल्ड वाले सिम्टम्स के जो हैं उनके लिए, या फीवर्स के जिनके फेस पे रैशेज हैं, आइज में प्रॉब्लम हो रही है इस धुएँ की वजह से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो वाले लोग मेरे पास भी आए। अच्छा, किस तरह की इंजरीज यहाँ पे ज़्यादा कॉमन दिखाई दे रही हैं? जैसे कईयों की थाइस पे बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, जैसे अभी आपने एक देखा ही है ना, और एक कईयों की आर्म्स में इतनी तेज़ रबड़ वाली जो गोली है वो लगी है, ठीक है, और कईयों के सिर में इतना इन्होंने पता नहीं शूटिंग की है वहाँ से क्या हुआ है, इतना डीप डीप कट लगा है, और छर्रे जो होते हैं लोहे के छोटे छोटे वो भी वहाँ से, मतलब एक प्लास्टिक का बड़ा सारा बम है जिसमें से वो निकलते हैं और वो इतने डीप जाते हैं कि 1.5 से 2 इंच तक डीप चले जाते हैं, कई बार तो वो निकल जाते हैं, कई बार वो अंदर ही इतना रोल करते रहते हैं कि वो डीप तक चल जाते हैं, निकल ही नहीं पाते, फिर हम उनको हॉस्पिटल रेफर करते हैं। तो मतलब वो उसमें शार्पनल्स होते हैं जैसे कट लगता है? बिल्कुल, उसमें लोहे की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जो कि हम सर्जिकल ब्लेड के साथ निकालते हैं, और मतलब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सरकार से, जो भी आपकी लड़ाई चल रही है, पैलेट गन होता है जो उसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं, बिल्कुल नेशनल स्ट्राइक में पैलेट गन वैसे भी पुलिस की तरफ से बिल्कुल बैन की गई है और ये फिर भी उसका यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और जब हमारे पास लोग यहाँ पे पहुंचते हैं हमें देख के इतनी ज्यादा दुख लगता है, उनको इतनी पेन होती है कि वो कितनी ज़्यादा पेन से गुजरते हैं, कुछ तो हम निकाल देते हैं, कुछ निकल जो ज़्यादा डीप चल जाते हैं उनको हम निकाल नहीं पाते हैं और वो इतनी पेन फील करते हैं और फिर हम उनको हॉस्पिटल रेफर करना पड़ता है नियर बाय। जी, आपके खुद के पैर में भी शायद चोट लगी है? बिल्कुल, ये 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरे ये चोट आई थी, लिगामेंट इंजरी है मेरे को ऑपरेट बताया हुआ डॉक्टर ने, बट मैं अभी करवा नहीं पाई थी, मैं प्लान कर ही रही थी, बट मुझे पहले यहाँ पे जब मैंने सोशल मीडिया पे मतलब अपनी चोट को नज़रअंदाज करके आप यहाँ पे, बिल्कुल, जब मैंने इनको देखा इनमें इतना जज्बा है, जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान पीढ़ी है उनमें इतना ज़्यादा जज्बा है, तो इनकी तरफ देख के मेरे को भी अपनी जो पेन थी वो छोटी लगने लगी और मैं यहाँ पे पहुँची। अच्छा, तो मैम क्या सोचती हैं, जो कि ये पूरा टसल चल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है, इतनी ज़बरदस्त बैरिकेडिंग है और लगातार किसान आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं इस सिचुएशन को तो मुझे इतना इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट मैं यहाँ पे एज अ जैसे नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो मेरे मन में वो सेवा भावना, वो दया भावना थी जो कि इनको देख के मुझे फील भी हुई, पेन भी हुई, तो मैं यहाँ पे इनकी सेवा के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए आ गई। सपोर्ट के लिए आ गए? बिल्कुल। अच्छा, जो फार्मर्स के इशू हैं, फार्मर्स की जो डिमांड्स हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आपको? उसके बारे में मुझे इतना कुछ जानकारी नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि एज अ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते जब इनको मैंने सबको देखा है, तो इन सबको सपोर्ट और इनकी सेवा करने के लिए मैं यहाँ पे पहुँची। चाहे कॉज कुछ भी हो, आप जो इंजर्ड है, बिल्कुल, चाहे वो पुलिस वाले भी है ना, मैं उनको भी सर्व करूंगी, ठीक है, अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम आती है वो भी मेरे पास आएंगे, मैं उनको भी सर्व करूंगी, मेरे में कोई ऐसा नहीं है कि अगर वो आएंगे तो उनको नहीं करना, वो हमारे खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे है तो इंडियंस ही हैं, ये तो ऐसे लड़ाई कर रहे हैं जैसे हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना, ये इंडियंस हैं, आपस में इंडियंस ही इंडियंस के साथ लड़ाई कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, आखिरकार जब जानवर को भी चोट लगती है तो हमें उस पर भी दया आती है, ये तो फिर हमारे साथ के ही हैं,
ठीक है, ये तो फिर भी ह्यूमंस हैं, इनको भी पेन होती है, तो इसीलिए प्लीज़ सरकार से बेनती है कि ऐसी पैलेट गन जो है उसका तो बिल्कुल भी ना यूज़ किया जाए, और वो जो छर्रे वाले इतने ज़्यादा गोले छोड़ रहे हैं वो भी बंद किए जाएँ, ठीक है। और बाकी की जो लड़ाई है वो बैठ के सुलझाई जाए, ना कि ऐसे लड़ाई करके, ऐसे एक दूसरे से लड़ झगड़ के। अच्छा, तो जो पैलेट जो निशान होते हैं पैलेट की इंजरी के, क्या वो लंबे समय में चले जाते हैं, क्या वो लंबे समय तक रहेंगे? वो ये डिपेंड करता है कि उन पे केयर कितनी की जाती है। अब देखो, इन लोगों में जज्बा इतना है कि ये कुछ मानते ही नहीं है उन चोट को, पर एज अ अगर हम देखा जाए एज अ नर्सिंग स्टाफ, मैं बताऊँगी कि वो इतने डीप हैं, अगर उन जैसे सर्दियाँ भी चल रही हैं तो उनमें अगर पस पड़ गई तो वो ज़्यादा देर तक लंबे समय तक रहेंगे, जो कि इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं और कईयों की बाजू गलने का भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी सीवियर इंजरीज देखी हैं आपने? बिल्कुल, इतनी स्वेयर इंजरीज देखी हैं, और जैसे ये लोग उस स्वेयर इंजरीज को कुछ मान ही नहीं रहे हैं इनमें, फिर भी ये वहाँ तक चले जाते हैं उस स्वेयर इंजरीज के पास, फिर से हमारे पास आ जाते हैं, तो वो इंजरीज और ख़राब होंगी, ठीक है, और उसमें कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं। सो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगी सबसे कि चाहे वो किसान भाई हैं, किसान भाई तो वैसे ही बहुत सब्र करके बैठे हैं, वो तो कुछ कह भी नहीं रहे, इवन इनके पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं कि ये उनके साथ लड़ पाएँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सब्र करके बैठे हैं, और फिर भी वो आगे से इतने गंदे तरीके से इनको ट्रीट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा है। मतलब मेरे को देख के भी इतना दुख लग रहा है कि इनकी सोच कहाँ पर ठहरी हुई है कि ये ऐसे आके हमें मारो मारी कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात। जो टीयर गैस है मैम, पहले दिन तो मैं भी उसकी चपेट में आ गया था, तो सांस लेने में, नाक में, आँखों में बेहद जलन होती है, तो क्या क्विक सोल्यूशन क्या है उसका? क्विक सोल्यूशन यही है कि जैसे मुझे यहाँ पे एक्स सर्विस फौजी मैन भी मिले थे, मैंने उनसे भी ये बातें पूछी थी, तो उन्होंने मुझे भी गाइडेंस दी थी कि जो नमक होता है ना, जीभ में रख के अगर जाना भी है धुएं के पास तो जीभ में रख के जाओ, ताकि जो हमारा खुद का स्लाइवा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जब वो हमारे अंदर जाएगा तो वो धुएं को रिएक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। और आंखों में वो जो शेड्स हैं वो लगा के जाओ, और गीला कपड़ा मुंह पे बांध के जाओ ताकि धुआं ना चढ़े। और बाकी इन्होंने हमारे जो किसान लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने आगे बहुत व्यवस्था की है कि गीली बोरियाँ करके वो उस पर डाल दें ताकि धुआं ना चढ़े, जिसमें वो कामयाब भी हुए हैं, और मैं यही कहूँगी कि भगवान इनको आगे भी बहुत कामयाब करें, ये दिल्ली जीत के ही लौटें, दिल्ली जीत के ही लौटें। देखिए मैम ने खुद ही बताया कि किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं, उसके कॉज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ से संबंध ह्यूमैनिटी का है, चाहे इंजर्ड कोई भी हो, चाहे ये पूरी सिचुएशन कैसी भी हो, जिसको भी चोट लगेगी वो उनको सर्व करने के लिए यहाँ पर आई हैं, इंडिपेंडेंटली आई हैं। हाँ देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, बाबा श्री चांद जी हेल्थ केयर सेंटर एंड क्लिनिकल लैब्स डॉक्टर मनदीप सिंह MBBS, यहाँ पर ये इन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ है। यहाँ पे गाड़ी आई है, गाड़ी लगी हुई है इनकी, और इन्होंने अपना कैंप लगाया है, जो कि तमाम मेडिसिंस और ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। पॉसिबली जो डॉक्टर साहब हैं वो मनदीप सिंह जी यही हैं, और कुछ जर्नलिस्ट भी जो हैं वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं यहाँ पर, उनको आई ड्रॉप्स डाली जा रही हैं, क्योंकि जी जो आँखों में आंसू गैस के जो धुआं लगता है उसकी वजह से आंखें लाल हो जाती हैं, जलन मचती है, काफ़ी लंबे समय तक जलन मचती है, और इरिटेशन आंखों में लगभग एक दिन तक रहती ही है, जलन बेहद कम हो जाए। लेकिन सर, डॉक्टर मनदीप सिंह आप ही हैं सर, तो आपने इंडिपेंडेंटली अपना ये कैंप लगाया है? इंडिपेंडेंटली लगाया सर। अच्छा, हाँ, हम होशियारपुर से आए हैं, पंजाब से। हाँ, तो हमारे पास एमरजेंसी ट्रीटमेंट सारा है आज। हाँ, सूचर वगैरह चाहिए किसी को, कोई ड्रेसिंग वगैरह की लोड है वो, तो जो भी आ सकता है यहाँ पे। हाँ, टांके वगैरह भी लगा सकते हैं? टांके भी लगा रहे हैं, पीछे एम्बुलेंस में लगा रहे हैं। अच्छा, एम्बुलेंस भी लेके आए हैं? वहाँ पे बेड है, उसमें सूचर वगैरह लगा रहे हैं हम। अच्छा, हाँ जी, बाकी मेरी टीम है सारी साथ में। कितने लोगों की टीम लेके आए? 5 है हम। 5 लोगों की? हाँ जी। आप फर्स्ट डे से हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, हम कल आए थे, सेकंड डे पे आए हम। अच्छा, हाँ जी। तो क्या सर, कितने लोगों का ट्रीटमेंट अभी तक आपने कर दिया होगा? अभी तो हो गए होंगे 30-40 लोग कल से अभी तक। नहीं नहीं, आज से बैठे हैं हम, अभी सुबह से ही, मतलब सुबह अभी लगभग 10 बजने, 10:30 बजने वाले, 1-1.5 घंटे में कल वाले जो भी लोग थे, जो जिनको चोटें वगैरह लगी थी उनको भी आज ही हमने ट्रीट किया है। मतलब ड्रेसिंग वगैरह चेंज भी हुई है, दोबारा चेंज कर रहे हैं, सूचर जिसको लगने हैं सूचर लगा रहे हैं हम। उधर आ सकते होंगे? देखिए, उनको इनको भी एक सीवियर इंजरी हुई है, लेकिन वो जूम करके मत दिखाइएगा, दिखा नहीं सकते, क्योंकि और इनका सूचर लगने हैं, मतलब टांके लगने हैं,
वो टांके भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और तब सभी जो है उपचार यहाँ पर, शुरुआती उपचार यहाँ पर सुचारू रूप से मिल रहा है। देखिए दवाइयाँ हैं, बीटाडीन की बोतलें रखी हुई हैं यहाँ पर, पेन किलर्स रखे हुए हैं। बुखार भी होगा दे दो, हो जाता बुखार भी हो जाता। सभी लोग जिनको चोट लगी है या फिर वो बीमार हैं, खा लो दर्द दी एक ना सेट हो जूंगे। हां जी ना सही हो जाना ते गो होर नहीं देनी कोई। बाबा जी बहुत है, आ लोड पे ही फेल है लेओ, इत्थे ही है ਤੁਹਾਡੀ सेवा च। चलो हां जी चलो। सो डॉक्टर मनदीप सिंह जो है वो यहां पर जो है फ्री में, कोई शुल्क नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में अपना सारा इलाज अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको भी चोट लगी है सर? हाँ जी चोट भी लगी है, जो धुआं है ना वो अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। अच्छा वो गले में आपको अभी भी लग रहा है धुआं? लग रहा है हाँ। अच्छा तो आप आगे गए थे वहाँ पर? हाँ जी। तो मनदीप जी जो आंसू गैस है वो कितने समय तक असर कर सकती है, अगर इनको कल लगी थी गैस की चपेट में कल आए थे? तक तो एक डेढ़ दिन तक तो रहेगा ही उसका असर, आंसू गैस का रहेगा सर। बाकी आई ड्रॉप्स वगैरह लेकर आए हैं हम, उसके थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बाकी उसका जो असर है वो एक डेढ़ दिन तक रखता है। अगर कोई इनहेल कर लेता है, लंग्स में जाता है, उसके लिए क्या नेबुलाइजर वगैरह सारा कुछ लेकर आए हैं। जिसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस की दिक्कत है, उसके लिए सारी हम मशीन वगैरह लेकर आए हैं, हमारे पास पड़ी है, नेबुलाइज कर रहे हैं हम उनको, पेशेंट्स को नेबुलाइज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कोई परमानेंट परेशानी हो सकती है क्या इससे? परमानेंट तो हो ही सकती है, धुआं जा रहा है अंदर, कोई भी फेफड़ों की दिक्कत आ सकती है, ये तो बहुत हार्मफुल गैस है ये। हाँ जी बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी वाली है। एक कैंप हमने आपको उसके उस तरफ दिखाया और एक कैंप ये है जो कि इंडिपेंडेंटली डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं। और भी तमाम कैंप आपको आगे दिखाते रहेंगे।